प्रपोजल आते हैं ना कोई सीरियस वाला पकड़ के ना ले जाओ इसको साथ ताकि मेरी बारी रियल वाली आ जाए। तुझे अशकों पे छुपाया है अब तुझे पलकों पे बिठाना भी बाकी है। किसी आयत की तरह ए जाने जहां, किसी आयत की तरह ए जाने जहां तुझे आंखों से लगाना बाकी है। ओए 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 ये किसके लिए है? ये छोटू मेरी बहन है और इसने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था जबकि मैं इसको बार बार कह भी रही थी कि ये क्या बोल रही हो, बट इसने मेरी एक ना सुनी और इसने बोला कि जी ये शादी करने के लिए उतावली है और इसको लड़का नहीं मिल रहा। तो हमें क्योंकि उस वीडियो के नीचे बहुत से प्रपोजल्स आए थे इसके लिए ना कॉमेंट्स में, तो हम इसे पूछ रहे हैं कि कोई लड़का मिला है या नहीं। तो क्या हाल है भाई? मैं ठीक ठाक। आप ठीक ठूक ठाक? ये ठीक ठूक ठाक क्या होता है? मतलब लोगों को ये कहने की आदत होती है ठीक ठाक, ये ठीक ठूक ठाक है। मतलब मैं ठीक भी हूँ ठूक के भी ठीक हूँ, मतलब बस ठीक ठाक हूँ मैं। पागल हो तुम? नहीं सीधे सीधे आंसर देने हैं मुझे। अच्छा मुझे बताओ कि लास्ट टाइम जो वीडियो थी वो बहुत ज्यादा वायरल गई थी। एक तो वो बियर्ड वाले लड़कों की आपने एक बात की थी, दूसरा जो है वो कि मुझे लड़का चाहिए, लड़का मिल नहीं रहा, शादी करनी है और शादी ही करनी है बस। तो क्या बना उसका? बस मुझे लड़का तो अभी तक नहीं मिला। मुझे रिश्ते इतने ज्यादा है कि मैं कहीं भी जाती थी तो लोग मेरे बारे में बात करते थे यार ये वही लड़की है, यार ये वही लड़की है। उसके बाद मेरे साथ एक बड़े मजे का सीन हुआ और जो कि मुझे नहीं भूलता, वो जो बियर्ड वाली जो मैंने इंटरव्यू दिया था, क्या उसमें क्या बोलता है बियर्ड वालों के बारे में कि वो चावे लगते हैं, छिली हुई मूली लगती है, इस तरह से मैंने बोला था। जो कि क्लीन शेव वाले। हाँ, क्लीन शेव वालों के बारे में बोला था। तो क्या क्या हुआ था? तो मेरे पास यूनिवर्सिटी में एक लड़का आया, वो काफी मतलब लाइक प्यारा था, ठीक है, लेकिन वो क्लीन शेव थी उसकी। मुझे आके कहता है आप वही है? मैंने कहा कौन सी? मुझे समझ आ गई थी किस बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा कौन सी? कहता वही वाली। मैंने कहा कौन सी? कहते वो जिसने क्लीन शेव वालों के बारे में बोला था। मैंने कहा यार ये तो प्यारा निकल आया। मैंने कहा नहीं वो सबके लिए नहीं था, मैंने इस तरह से किसी किसी के लिए था, आपके लिए नहीं था। वो उसे भी दिल पे ले ली होगी ना बात, शायद ले ली होगी। ऑब्वियसली आप किसी की, अब ये देखो ना क्लीन शेव वाला खराब है तुम्हें गुस्से से देख रहा है हमारा कैमरा मैन भी। हाँ तो नहीं ये है कि ये नहीं है कि क्लीन शेव वाले प्यारे नहीं होते, लेकिन मुझे खुद भी बियर्ड वाले लड़कों में एक अपनी ग्रेस होती है, एक अपनी ब्यूटी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये कुछ वही जा रहा है बाकी ऐसा है। हाँ तो फिर लड़का नहीं मिला? मुझे इतने ज्यादा, मुझे तो इंडिया के लोग जो हैं उनके मैसेजेस आ रहे थे कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भर गया हुआ था, मतलब मैसेजेस पे मैसेजेस कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, ये है वो है, आप सजल मलिक की बहन है, प्लीज आप हमसे शादी कर लें, प्लीज आप हमारा रिप्लाई कर दें, हमने आपका इंटरव्यू देखा है, वांट टू मैरी विद यू, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तौबा मैं तो थक गई। मैंने कहा यार मैंने क्या सोच के इंटरव्यू दे दिया था। सब बात में यही सोचते हैं, ये नहीं तुम सब बात में कहते हमने ये बात क्यों की थी, लेकिन इसने मुझे बाद में कोई 10 दफा कहा कि सज्जल आप ही प्लीज मेरा वीडियो डिलीट करवा दे, प्लीज डिलीट कर दे। मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं हम डिलीट वाला काम करेंगे, अब चल गया तो चल गया। और वो तो इतना वायरल हो गया था कि मुझे मेरी टीचर्स भी भेजती थी कि ये तुम हो। मैंने कहा जी मैं ही हूं। मैंने टीचर्स के सामने तुम्हें शर्म ना आई कि लड़का चाहिए? नहीं टीचर्स को पता है मेरी नेचर का। उसके बाद मेरी दोस्त का भाई था, उसने मेरी दोस्त को मेरी वीडियो भेजी, यार ये शहरी जैसी नहीं लग रही पता चला कि वो शहरी ही है। अच्छा मतलब इतने वर्स्ट वर्स्ट चीजें हुई, बहुत ज्यादा हुई। फिर मैंने वाकई सोचा, मैंने कहा यार अल्लाह यार वीडियो डिलीट हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए बस लोग मुझे। और ऐसा होता था मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई और पूरा कोई यूनिवर्सिटी का ग्रुप बैठा हुआ है और वो बात कर रहे हैं यार ये तो वही वाले हैं और पता चल जाता है कोई आपके बारे में बात कर रहा है। ऐसा ही है। और एक दफा क्या हुआ, मैं कैफे जा रही हूँ यूनिवर्सिटी में, एक पूरा ग्रुप लड़कों से भरा हुआ बैठा हुआ है और सब ऐसे लाइक इस तरह से पोज दे के ना बियर्ड वाला चाहिए। तो मैं लाइक के उनको देख रही हूँ कि यार ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं और सारे मुझे देख रहे हैं बियर्ड वाला चाहिए। अच्छा तो व्हाट वाज मामा'स रिएक्शन ऑन दिस वीडियो? मामा हंसी जाती थी देख के ये वो। फिर मैंने जब दिखाया तेरे प्यो ने देख लेने वीडियो जरा। हाँ ना मेरी मामा पास हंसी जाती है देख के कि ये भी बोल दिया, उनकी भी हंसी कंट्रोल भी नहीं होती। मामा कहते हैं शर्म भी नहीं आई इसको ये बात, मामा ने तुम्हारी बेइज्जती भी की थी। हाँ की ये तो नहीं तुम बता रही, वो अब इनको तो नहीं बताऊंगी वो मेरा और मामा का सीक्रेट है चलो सही हो गया। अच्छा और बताओ कोई मजेदार सी चीज। मजेदार सी चीज बस यही था कि मतलब लाइक इंटरव्यू के वो मेरा इंटरव्यू। अच्छा मैं टिकटॉक देख रही हूँ, पहले आपको फॉर यू पे देखती थी, फिर मैं ही फॉर यू पे घूम रही थी हर जगह और इंस्टाग्राम पे मैंने खोला, कोई मुझे इतने लोगों ने भेजा यार शहरी ये तुम हो, यार शहरी तंग आ गई।
मैं वाकई तंग आ गई। मैंने कहा या अल्लाह प्लीज वीडियो डिलीट हो जाए, लोग भूल जाएं, कोई और वीडियो इतनी वायरल हो जाए कि मेरी वीडियो भूल जाए। एक वीडियो कुछ दिन तो ट्रेंड पे चलती ही है, कुछ दिन ही अभी तक वो ट्रेंड पे है। और मेरी वो एक लड़की कहती है यार वो आप थी शहरी, मैंने कहा जी, कहती वो साथ कौन थी, मैंने कहा वो मेरी बहन थी, कहती है वो अच्छा वो आपकी बहन है, मैंने कहा जी, कहती माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मैंने कहा जी मेरे बारे में क्या कमेंट है, कहती बस मैं लड़का मिल जाए। शहरी वो वाला एक्सपीरियंस बताओ जो मॉल के अंदर तुम लोग के साथ हुआ था। कौन सा वाला? जो सियालकोट में हुआ था, जो एक लड़का शायद आया था आप लोगों के पास में, क्या कहता था आप टिकटॉकर हैं, मुझे लगा मैंने एक अपना पेज बनाया उस पर मैं अपना काम वगैरह अपलोड करती हूँ, शेरीज आर्ट ना, तो मेरे पास वो लड़का आया आके कहता आप टिकटॉक करो, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा कि मुझे जानता है मेरे काम की वजह से, मैंने कहा जी जी मैं टिकटॉक करूँ, तो कहते हैं सज्जल मलिक मेरा साथ ही, मैंने कहा मैं मेरी बहन कहता है, ओ अच्छा, कहता है वो तो बहुत सेम, आप वाकई उनकी बहन है, मैंने कहा जी मैं उनकी बहन हूँ। तो मतलब इस तरह के सीन्स होते रहते हैं, मुझे बहुत से लोग इस तरह समझते हैं कि मैं ही सज्जल हूँ। अभी भी हम लोग जहाँ वो गए हुए थे मोहम्मद अली के साथ, तो वहाँ भी मुझे कहते सज्जल बैठ जाओ, मैंने कहा मैं सज्जल नहीं हूँ, मैं सज्जल की बहन हूँ, मैं प्लास्टिक सर्जरी करा थोड़ी सी है ना। हाँ बस ऐसा ही है, बस ऐसे, लेकिन मैं इसके जितनी चबी नहीं हूँ, थोड़ी सी ये तो मतलब ताकतवर गुंडा है मैं थोड़ी कमजोर पसली हूँ। ये तारीफ थी कि बेइज्जती? दोनों। कोई बात ही, मैं तारीफ समझ के एक्सेप्ट कर लेती हूँ। हाँ, अपने घर का कोई भारी काम कराना हो तो इसको हम बुलाते हैं, लेकिन आती नहीं है तो हम बेचारे खुद ही करते हैं। हैं जी? जी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, ये बहुत फनी है, बहुत फनी है। तो फ्यूचर में क्या बनना, फैशन डिजाइनर? वो तो हर दफा मैं बताती हूँ, अब कुछ और भी बन जाऊंगी, पता नहीं क्या बनती हूँ मैं, हर दफा बता के फैशन डिजाइनिंग वहीं पर टक गई है, वीडियो वायरल होती जा रही है, वीडियो वायरल। अब सिर्फ रिश्ता होना तुम्हारा रिश्ता। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि दोस्तों की मंगनियां हो रही है, निकाह हो रहा है। दो दोस्तों का तो हो गया, एक मेरी रह गई दोस्त और एक मैं रह गई हूँ। अब तुम लोग कब करा रहे? बस इंशाल्लाह, असल में इनके रस्ते में मैं हूँ, जब मेरी हो गई तो फिर इनकी बारी है। ऐसा ही है, बस हम जल्दी जल्दी फुटकार रहे हैं। आप प्लीज जो भी प्रपोजल आते हैं ना, कोई सीरियस वाला पकड़ के ना ले जाओ इसको साथ, मेरी बारी रियल वाली आ जाए। पागल जाहिर। चले है, ये मजाक करी थी शादी के लिए, जब अच्छा लड़का तोता भी बोला जब अच्छा लड़का मिलेगा ऑब्वियसली तभी करेंगे। तो ये हम कोई शेर शेर ही सुना दो शेर। यार वो मैं एक ड्रामा देख रही हूँ तो उसमें एक शेर बड़ा मुझे मजे का लगा था। एक मिनट, मैंने वो फिर देख के और मैंने उसको जुबानी रही ना, तुझे अशकों पे छुपाया है अब, तुझे अशकों पे छुपाया है अब, तुझे पलकों पे बिठाना भी बाकी है, किसी आयत की तरह ऐ जाने जहां, किसी आयत की तरह ऐ जाने जहां, तुझे आंखों से लगाना बाकी है। ओए ओए ओए, ये किसके लिए है? ये बस मेरे अपने लिए। आप उनका इरादा है मेरे लिए? जो होते हैं बच्चे आजकल के निकम्मे, तुझे आंखों पे लगा, मामा को भेजती हूं तुम्हारा, ये ठीक है ना, बहुत खराब हो रही है ये। और मेरे साथ वाकई ऐसे हुआ था कि मैंने वो ड्रामा से ये सुना, मुझे इतना पसंद आया, मैंने फिर उसकी एक एक लाइन पहले याद की और फिर लिखी। और ये तुमने खुद लिखी है? हाँ, लिखी। पागल हो? नहीं। चलो सही हो गया है, अच्छा लगा जी शहरी से बात करके। आप हमें आगे भी और भी काम करना, काफी लोग बेचारे खड़े हुए हैं, और ये मुझे बार बार कहना, मैंने रोने लग जाना कि मेरा इंटरव्यू अभी आपने नहीं किया, तो हम शहरी को बाय बाय करते हैं।